हमारा परमानेंट कैंपस तैयार हो गया है, अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं इसी महीने। और उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स हमारे दिल्ली में भी आईएम नहीं है, और यहाँ पे इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट है, और यहाँ पे भी बहुत बड़ा नीड है। तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के अनुसार आईएम संबलपुर जो है यहाँ पे एमबीए वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो वर्किंग है, सैटरडे संडे क्लास होगा ब्लेंडेड मोड में, हाफ ऑनलाइन होगा हाफ फिजिकल होगा। बसंत कुंज में हमने गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, आईएसआईडी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रीज, वो उसको हमने रेंट में लिया है और वहाँ पे क्लास होगा। और यहाँ पे इंक्यूबेशन रिसर्च और एमबीए एग्जीक्यूटिव्स फॉर एग्जीक्यूटिव वर्किंग के लिए चलेगा, और ये अभी हमने एडमिशन का स्टार्ट कर रहे हैं ओपन। और इसमें हमारे जो पार्टनर हैं वो फ्रांस यूनिवर्सिटी से हैं, सोर्बोन जो टॉप बिजनेस स्कूल है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का, वो ऑप्शन है उनको ड्यूल डिग्री लेने का, मतलब जिसको चाहे वो ड्यूल डिग्री भी ले सकते हैं, यहाँ का डिग्री और वहाँ की डिग्री एक साथ दोनों का। उसमें एक महीना वहाँ जाना पड़ेगा फ्रांस में, और फ्रांस के प्रोफेसर यहाँ पे आके पढ़ाएंगे। तो ये यूनिक प्रोग्राम है एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल आईएम संबलपुर का दिल्ली कैंपस, तो ये पहला मतलब दिल्ली में हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि इससे काफी फायदा आईएम को संबलपुर को भी होगा, और यहाँ के इंडस्ट्री और प्रोफेशनल्स बहुत सारे हैं जिनको आईएम का एक्सेस नहीं है, उनको भी मिलेगा। और इससे जो है हम लोग, क्योंकि ये जो फोकस अब प्रोग्राम है वो रेगुलर एमबीए जैसा नहीं है, इसमें एंटरप्रेनर एंड स्टार्टअप पे फोकस है एक, तो दूसरा सस्टेनेबिलिटी पे फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड दोज थिंग्स, और तीसरा है डेटा साइंस एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जिसमें आजकल जॉब्स निकल रहे हैं, सारे बड़ी बड़ी कंपनी खुल रही है, इंडियन कंपनी खुल रही है, उसमें फोकस है। इंक्लूसिवनेस पे फोकस है, मतलब आपका जो आपका डेटा साइंस है या डिजिटल है उसमें नए नए बिजनेस क्रिएट हो रहे हैं, तो स्टार्टअप को बहुत बूस्ट मिलेगा। और उड़ीसा के जितने भी स्टार्टअप हैं वो सब हमारे साथ काम करेंगे, उनको इंक्यूबेट करेंगे, और पेरिस यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करके जो हमारा वीविंग इंडस्ट्रीज और आर्टिजन इंडस्ट्रीज उड़ीसा का है और दूसरा का कंट्री का है, उसको हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसको प्रोजेक्ट का नाम है weaversvalley.com, जिसमें सारे मास्टर वीवर्स को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। और फ्लिपकार्ट हमारा पार्टनर है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसके बाद सिडबी हमारा पार्टनर है जो फंडिंग कर रहा है उसको एजुकेशन देने के लिए, और हमारा जो पेरिस बिजनेस स्कूल है जितने भी हैं ये लोग पार्टनर बनेंगे हमको मार्केट एक्सेस कराने के लिए ग्लोबल मार्केट में। तो आइडिया यह है कि जो स्मॉल वीवर्स हैं, मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, उनके ट्राइबल्स हैं, उनके प्रोडक्ट को कैसे वर्ल्ड में लेके जाना, ये हमारा मेन एम्बिशन है दिल्ली में सेंटर खोलने। नहीं सोचा है, हम लोग का डिस्कशन चलता है कि हमें एक अगर टॉप आईएम बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा। अभी आईएम संबलपुर ऑलरेडी टॉप 5 टाइप 10 में है, कई रैंकिंग में आ रहा है, लेकिन हमको टॉप वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट बनने के लिए हमको एक नया डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। जो पहले बोलते थे कि खाली टीचिंग होता था आईएम, उसके बाद टीचिंग और रिसर्च शुरू हुआ, हम लोग हैं कि टीचिंग रिसर्च और इंक्यूबेशन तीनों चीज कर रहे हैं, ये हमारी यूनिकनेस है जो किसी और इंस्टीट्यूट में उतना नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूट को एक यूनिक प्रोपोजिशन देने के लिए, यूनिक ब्रांडिंग देने के लिए, एक पोजिशनिंग देने का, उड़ीसा के एक जो इंस्टीट्यूट है वो वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट जितना जल्दी आ जाए उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और अभी आगे कई सारे ऐसा इनिशिएटिव होगा, आपको बताएंगे बाद में। का सबसे बढ़िया है कि इस टाइप की मेथोडोलॉजी जो फ्लिप क्लासरूम बोलते हैं, इसमें हम लोग क्लासरूम जो होगा उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसमें इंडस्ट्री से प्रॉब्लम आएगा कि ये प्रॉब्लम मारुति फेस कर रहा है, इंडियन ऑयल फेस कर रहा है, या एनी कोई कंपनी फेस कर रहा है, हीरो होंडा फेस कर रहा है, जो यहाँ की इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, या कंसल्टिंग कंपनी, या गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है कि पॉलिसी कैसी बननी चाहिए, तो उस पर हम लोग उस प्रॉब्लम को क्लास के रूम सॉल्व करेंगे, और प्रोफेसर जो है थ्योरी बताएगा, स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और इंडस्ट्री प्रॉब्लम देगा। ये एक तो पेडागॉजी अलग है, दूसरा है कि आपको हर समय आने की जरूरत नहीं है क्लास में, आपको ऑनलाइन भी आकर आ सकते हैं ब्लेंडेड। एटलीस्ट 50% आपको फिजिकल आना पड़ेगा डिस्कशन के लिए, 50% क्लास ऑनलाइन होगा। और तीसरा है कि ग्लोबल प्रोफेसर पढ़ाएंगे, वर्ल्ड के जो बिजनेस स्कूल हमारे पार्टनर है वो लोग वहीं से पढ़ाएंगे। तो ये तीन चीज यूनिकनेस है, और इसका स्पेशलाइजेशन भी अलग है, इसमें सस्टेनेबिलिटी पे है, ग्रीन एनर्जी पे है फॉर एग्जाम्पल, दूसरा है कि एंटरप्रेनरशिप पे है, स्टार्टअप पे है, थर्ड है कि ये डेटा साइंस एंड प्रोडक्ट की कंपनी डेटा साइंस में कैसे क्रिएट होता है। सो ये बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जो अभी कहीं पे नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। एडमिशन का प्रोसेस नहीं, ये एडमिशन का हम लोग ओपन है, अभी एड निकलने वाला है इस वीक में और नेक्स्ट वीक में, और उसमें ब्रोशर ऑलरेडी आपके पास है, और इसमें एडमिशन कॉम्पिटिशन से होगा, उनको रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, एसओपी लिखेंगे, जैसे एक एमआईटी हार्वर्ड में एडमिशन होता है टॉप स्कूल में उसी प्रोसेस होगा, और उसमें हम सेलेक्ट करके जो यहाँ पे जो रिलेवेंट लोग हैं उनको लेंगे। उसके बाद उस फीस जो रखा है हमने अभी समय इसको 14 लाख रुपीज रखा है 2 साल का, जो क्वाइट रीजनेबल है, दूसरे आईएम से थोड़ा सा कम है जो पुराने आईएम से, बट इतना कम भी नहीं है कि हम लोग अंडर प्राइस भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का आइडिया है कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो 2 साल का फीस अभी 14 लाख रुपीज रखा है। दूसरे जैसे बॉम्बे में आईएम इंदौर ने किया पहले, और जब आईएम इंदौर का बॉम्बे में जब सेंटर खुला तब जाके आईएम इंदौर का ब्रांड बना, क्योंकि आपको समझने से इंडिया में 3-4 ही सिटी है जहां पे आईएम्स के ग्रेजुएट का एम्प्लॉयमेंट होता है,
एक है दिल्ली, दूसरा है बॉम्बे, तीसरा बैंगलोर। तो बैंगलोर में ऑलरेडी आई एम है, बॉम्बे में भी आई एम, इंदौर है, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए आई एम संबलपुर ने लीड लिया। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, सक्सेस 100% होगा और ये हम लोग जो भी काम किए सब सक्सेस में किए हैं और आप देखेंगे कि आई एम संबलपुर जल्दी टॉप इंस्टीट्यूट बनेगा। The opportunity to have a meeting with IIM Sambalpur in Delhi to see how we are going to organize our partnership around these diplomas. So we have in mind to organize with the support of the International Education Network different initiative. For the part of Sorbonne Business School, we want to develop executive education, specifically an executive master in finance, and we are going to how to share a double degree with a local business school. We have some experience in double degree. We do that in Vietnam, in China, and students have a part of a course with local professor, a part of a course with our professor. We have an overview of all the program. And after that, if they have the exam, if they comply with everything, they are graduates from Sorbonne and from the local university. And what we do here is also to say that we want to have also exchange with professors, because in team of professors, you will have local professors, professors from France who are going to come to teach a course. Perhaps also the students will come in France to have a visit, have courses locally.